वालदेन से गुजारिश है कि स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके इल्म में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडी टीचर एंड इन दिस लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली फ्रॉम दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट सर सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। But in this lecture, we are going to discuss about division of Bengal. So, dear students, what is division of Bengal? Let's discuss. Due to administrative limitations and for their own convenience, the British rulers divided Bengal into two parts in 1905. Dear students, in British India, the province of Bengal was the largest in terms of population and area. तकरीबन इसकी आबादी 8,50,00,000 के करीब थी और इसका रकबा 2,00,000 मुरबा मील तक फैला हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ये बाकी तमाम ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रोविंस थे उनमें सबसे बड़ा बंगाल था और जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी आबादी तकरीबन 8,50,00,000 थी और इसका रकबा, डियर स्टूडेंट्स, रकबा किसे कहते हैं? रकबा एरिया को कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन 1905 व्हेन लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया, ही सजेस्टेड टू डिवाइड बंगाल। Dear students, now the very interesting word here is Viceroy. Viceroy किसे कहते हैं? And dear students, who is called Viceroy? One who rules a country or province as the representative of his king. यानी जो किसी मुल्क या सूबे पर अपने बादशाह के नुमाइंदे की हैसियत से हुक्मरानी करता है और जिसे हर तरह का इख्तियार हासिल होता है। Dear students, सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही हुआ करता था। जैसे कि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे, तो वो बरतानिया से अपने किसी नुमाइंदे को, अपने किसी ऑफिसर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजा करते थे कि वो यहाँ पर आकर हुकूमत करें, तो उस ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव को वाइसरॉय कहा जाता था। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड कर्जन सजेस्टेड टू डिवाइड बंगाल। लॉर्ड कर्जन के मशवरे पर बंगाल को तकसीम किया गया। और स्टूडेंट्स, वाइसरॉय ने यह मशवरा क्यों दिया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ों के मुताबिक, इतने बड़े सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बंगाल जो दूसरे सूबे थे उनसे सबसे लार्जेस्ट था, उनसे सबसे बड़ा था, इसकी आबादी भी ज़्यादा थी, तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ आ रहे थे, यानी इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो वाइसराय जो लॉर्ड कर्जन था, उसने ये मशवरा दिया, उसने अपनी जो हुकूमत है, बरतानवी हुकूमत है, उनको ये सजेस्ट किया कि दे शुड डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट कौन से थे? ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल, यानी मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द सजेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, British government divided Bengal into two parts in 1905 and Dhaka was the capital of new province. Dear students, Muslims was very happy on this division because in its Bengal Muslims were in large numbers, but on the other hand Hindus was not in mood to accept this. Dear students, Hindus did not accept the division of Bengal. Hindus could not tolerate the division of Bengal. And why? ऐसा क्यों था? क्योंकि वो मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने बताया था कि इस बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी और इस तरह मुसलमानों का पूरा इख्तियार बंगाल पर हो चुका था, यानी अब वो खुलकर आज़ादी से तिजारत कर सकते थे, उनको तमाम हुकूक मिलने जा रहे थे। तो हिंदूज़ को ये हज़म नहीं हुआ और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिया।
And to stop the division of Bengal, Hindus started campaign. उस कैंपेन में क्या था, उन्होंने गवर्नमेंट का बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट के हर तरह के कानून को मानने से इनकार कर दिया और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने निकल पड़े. एंड हिंदूज डिड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू स्टॉप द डिवीजन ऑफ बंगाल. सो द गवर्नमेंट अगेन ज्वाइंड बंगाल इनटू वन प्रोविंस इन 1911. हिंदूज के इनपुट तशद्दुद एहतजाज और लड़ाई झगड़ों और अमन की ख़राबी की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बंगाल को दोबारा ज्वाइन कर दिया, यानी जो उसका डिवीज़न था उसको कैंसिल कर दिया. एंड डियर स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमानों ने कांग्रेस से अलहदगी का ऐलान कर दिया. मुसलमानों का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जो जमात थी वहाँ पे पॉलिटिकल, जो कि सारे सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों की नुमाइंदगी करती थी, उससे मुसलमानों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया. और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इसी वजह से बनी कि मुसलमान अपने लिए एक अलहदा प्लेटफॉर्म का इंतखाब कर सके और वहाँ पर जाके वो अपने हकूक़ के लिए लड़ सके. So my dear students, that's all we have in this lecture. In this lecture we studied about division of Bengal and I'm sure you have understood very well. Now let's move towards homework. So dear students, for homework your question number 1 is, when did the British rulers divide Bengal? And answer is, the British rulers divided Bengal into two parts in 1905. Your question number 2 is, what did Hindus do to stop the division of Bengal? Answer is, Hindus started a campaign against British government to stop the division of Bengal. So dear students, these two questions are for your homework. Do memorize well. इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करें और अपने पेरेंट्स से ट्यूटर की निगरानी में इसे मुकम्मल करें और इसकी पिक स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें. वालदेन से गुजारिश है कि दिया गया होमवर्क अपनी निगरानी में करवाएं और इसका टेस्ट खुद या ट्यूटर से करवा के इसकी पिक्चर लेकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, ताकि टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सके. व्हाट्सएप करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है 0324310082. अल्लाह हाफिज़.